ना दे टू रोज आपने देखा होगा ये एम आर पी रिकॉर्ड के अंदर वन इज कॉल्ड शेड्यूल्ड रिस एंड वन इज प्लैंड ऑर्डर रिलीज इसके अंदर वॉट इज द डिफ्रेंस बिटवीन द टू प्लैंड ऑर्डर रिलीज आर समिंग जिनके बेसिस के ऊपर हम प्लान करते हैं इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जानी चाहिए शेड्यूल्ड रिसीट्स आर बेसिकली वंस जिनका ऑलरेडी ऑर्डर रिलीज हो चुका है अब वो उसका टाइम फिक्स हो गया है कि जी ये इस वक्त हमने रिसीव करना है ये ऑर्डर रिलीज हो चुका है चाहे वो वेंडर को ऑर्डर रिलीज हो गया हो और वेंडर ने लट से कराची में वेंडर बैठा हुआ है उसको आपने ऑर्डर रिलीज कर दिया है और वेंडर ने आपको प्रॉमिस कर दिया कि फिफ्टीन ऑफ मार्च आप रिसीव कर लेंगे वो जो है ऑर्डर वो अब आपके पास एज ए शेड्यूल्ड रिसीट्स के अंदर चला जाएगा कि जी ये ऑर्डर रिलीज हो गया है कंफर्म हो गया है और ये अब हमारे पास पहुंच जाएगा जबकि प्लान ऑर्डर रिलीजेज आर बेसिकली प्लान ये अभी रिलीज नहीं हुआ ये आपने प्लान किया हुआ है ये हम रिलीज़ करेंगे हो सकता है कि रिलीज करने से पहले उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हम ले आए ठीक है ना शेड्यूल्ड रिसीट्स के अंदर चेंजेस नहीं आ सकती वो एक बार शेड्यूल्ड हो गया है उसका जा चुका है ऑर्डर और कंफर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर चेंजेस नहीं आ सकती चेंजेस आएंगी तो आपके प्लान के अंदर आ सकती हैं तो इसके अंदर जैसे इधर लिखा है शेड्यूल्ड रिसीट्स रिप्रेजेंट कमिटमेंट ये कमिटमेंट हो गई है वेंडर है तो उसकी कमिटमेंट हो गई है प्रोडक्शन शुरू हो गई है तो वो कमिट हो गया ठीक uh, है वेयर एज जो प्लान ऑर्डर रिलीजेज हैं वो आपने प्लान की हुई हैं उसकी अभी कमिटमेंट नहीं हुई बेशक वो फर्म प्लान ऑर्डर में क्यों ना पड़ा हो uh, लेकिन उसकी कमिटमेंट अभी तक नहीं हुई वो अभी भी प्लान में है क्योंकि ऑल दो उसके ऊपर हमने बड़े स्ट्रिक्ट उस कंडीशंस लगा दी हैं लेकिन फिर भी उसमें चेंजेस आ सकती हैं लेकिन एक बार ऑर्डर रिलीज हो जाए और फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो फिर उसके अंदर उसको रोकना इतना आसान काम नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि वो फिर हमारी पक्की कमिटमेंट है कि ये हमने रिसीव करना ही करना है अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ है कि जब प्लान ऑर्डर रिलीज़ हैं उससे जो पेरेंट्स का प्लान ऑर्डर रिलीज़ है एम आर पी के अंदर जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर के अंदर फैमिली ट्री टाइप होती है पेरेंट होते हैं और जो नीचे आते हैं वो चिल्ड्रन उनको कहा जाता है तो पेरेंट के प्लान ऑर्डर रिलीज जो है उससे चिल्ड्रन की ग्रॉस रिक्वायरमेंट बनती है ठीक है ना एक्स जो हमारा वो वो सब असम्बली थी उससे जेड सब असम्बली पिछले जो हमने किया है उसकी ग्रॉस रिक्वायरमेंट बन रही थी तो प्लान ऑर्डर रिलीज से हम ग्रॉस रिक्वायरमेंट डिटर्म करते हैं नीचे वाले कंपोनेंट uh, की या सब uh, असम्बली की जबकि शेड्यूल्ड रिसीट ये नहीं करता शेड्यूल्ड रिसीट सिस्टम के अंदर इज काइंड ऑफ के वो एग्जिस्ट नहीं करता फॉर जी क्या चाहिए हमें कौन सी कंपोनेंट चाहिए इस प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली ये होता है कि ऊपर वाले ने जो हमारा से एक्स का है वो थर्ड वीक के अंदर हमें प्रोडक्शन उसकी शुरू करनी थी तो थर्ड वीक में जेड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए तभी वो प्रोडक्शन होगी तो वो फिर हम डिटरमिन कर लेते हैं लेकिन एक बार एक्स जो है वो शेड्यूल्ड रिसीट्स के अंदर चला गया है तो इसका मतलब है इसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो गई है अब इसकी डिलीवरी होनी है तो वो ऑलरेडी सारा काम हो चुका है तो उसके फिर एक्सप्लोर नहीं किया जाता और उसकी रिक्वायरमेंट जो है रिलीजेज वो ग्रॉस रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट नहीं होती इसलिए शेड्यूल रिसीट्स जो हैं वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं करते आपके करंट रिकॉर्ड जो है उसके अंदर के जी ये हमने कंपोनेंट इसके क्या कंपोनेंट चाहिए होगा कब चाहिए होगा तो इसकी प्रोडक्शन करने के लिए क्योंकि ऑलरेडी उसकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है